30 जुलाई का दिन यूपी के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पीएम मोदी के नाम पर, मुख्यमंत्री योगी के नाम पर, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के नाम पर 30 जुलाई को कुछ ऐसा होगा जो ना अब तो कभी यूपी में ही पहले हुआ और ना ही पूरे देश में। पीएम मोदी एक या दो नहीं बल्कि एक साथ पूरे 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। मतलब मोदी एक बटन दबाएंगे और यूपी के 9 जिलों को एक साथ मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर, इन 9 के 9 जिलों के लोग अब गर्व से कहेंगे कि हमारे जिले में भी मोदी और योगी ने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है। अब हम दूसरे शहर का, दूसरे राज्य का मुंह नहीं ताकेंगे। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब बात फर्क की करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में जब योगी जी ने यूपी की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज ही हुआ करते थे। यानी 70 साल तक जो भी सरकारें रहीं, यूपी को सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज ही दे पाई। और अब 4 सालों में मोदी और योगी की कोशिशों से एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इन नए मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के बाद यूपी में मेडिकल कॉलेज की संख्या 48 हो जाएगी। यानी 70 साल बनाम 4 साल में 12 से सीधे 48 पर पहुंच जाएंगे, 4 गुना ज्यादा। जल्द योगी सरकार यूपी में 16 ऐसे जिलों को मेडिकल कॉलेज देने जा रही है जहां ये सुविधा अभी तक नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाए जा रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेज को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा ताकि दुनिया भर से लोग यहाँ इलाज करवाने आ सके। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने शपथ भी ली है कि यूपी के सभी 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे। यूपी को मेडिकल एजुकेशन का हब बना दिया जाएगा। सोचिए, जिस यूपी में लोग इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की तरफ भागा करते थे, वहां दुनिया भर से लोग अब इलाज करवाने आएंगे। इन नए मेडिकल कॉलेज से सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा, मेडिकल के क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा, मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा तो नए अवसर पैदा होंगे और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ विश्व स्तरीय मेडिकल एजुकेशन भी मिलेगी।